पहला क्वेश्चन है लेंस के न्यूमेरिकल्स में, कन्वर्जिंग लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस एज शोन इन अ फिगर। तो कह रहा है जी एक ना रेज आ रही हैं, वो ना सीधी पीछे से आ रही थी और ओ पॉइंट पे मिल रही थी, पर आपने बीच में क्या रख दिया, एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, उसने रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, और कहां पे कर दिया, आई पे कर दिया। तो इस लेंस के लिए यहां पर जो ओ है वो क्या है, इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इमेज तो बनी रही थी ओ पे, पर इसने ओ की इमेज को कहां शिफ्ट कर दिया, आई पे। ये पॉइंट क्लियर है। तो इस लेंस के लिए यू क्या माना जाएगा, यू ये माना जाएगा, जो कि क्या होगा, प्लस 10। वैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा नेगेटिव होता है, पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यू पॉजिटिव है, और इमेज फाइनली कहां पे बन रही है ये मुझे निकालनी है। फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है कन्वेक्स की प्लस 30, तो वी निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज करें, 1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ट्रिक समझ में आ रहा है, क्या ट्रिक लगेगी इसके अंदर, यही लगेगी कि इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नीडल। नीडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अलोंग एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। ये लो, ये फोकल लेंथ क्या है,
10 कन्वेक्स लेंस है। नीडल पता है कैसी पड़ी हुई है, नीडल एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई है, ये नीडल है और नीडल की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 10 सेंटीमीटर की नीडल है। एंड सच दैट मिड पॉइंट से लेंस की दूरी क्वेश्चन में गिवन है कितनी 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ठीक है यहां तक 20 सेंटीमीटर ये गिवन है। फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर लंबा है, इमेज का डिस्टेंस बताना है कितना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है, मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, पहले एक काम करो आप ना बी पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान लो, बस पॉइंट ये पॉइंट है आपका और कुछ नहीं है। इस ऑब्जेक्ट की दूरी सेंटर से कितनी होगी बताओ, ये 20 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होगी इसमें माइनस 15 सेंटीमीटर, 20 में से 5 गया तो क्या बचा 15, यू माइनस 15 है। फोकल लेंथ इसमें कितनी है, पॉजिटिव कितनी 10 है, तो आप इसमें 1/f = 1/v − 1/u में वैल्यू को पुट करें और क्या निकाल लें, इमेज की दूरी आ जाएगी, तो बी पॉइंट की इमेज की दूरी आ गई। तो बी पॉइंट कहां इमेज बनाएगी, एक्सिस पे वो आ गया। अब आप एक काम करें, अब आप ए को ऑब्जेक्ट माने, जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी यहां से कितनी है 20 और 5 ऐड करके कितना आया 25, तो यू की वैल्यू यहां पर क्या आएगी माइनस 25, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है प्लस 10, तो 1/f = 1/v − 1/u से आप फिर से एक बार क्या निकाल लें, यू वी निकाल लें, वी निकाल लें, तो ए पॉइंट का आ गया वी। अब बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, तो बी पॉइंट और ए पॉइंट में जो इमेज बनी उनमें डिस्टेंस डिफरेंस निकाल लें तो इमेज की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट की इमेज की का पॉइंट आ गया, बी के इमेज का पॉइंट आ गया, लंबाई इमेज की निकालने के लिए दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, इसे मेथड समझ में आ रहा है? तो अगर कोई भी नीडल हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है तो यू और ए और बी को ऑब्जेक्ट मान के उसकी इमेज के डिस्टेंस निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है यहां तक क्लियर है? तो आइडिया क्लियर है, मैं अनसॉल्व प्रॉब्लम दूंगा इसके ऊपर करने के लिए घर के लिए। ठीक है यहां तक मेथड बता रहा हूं, शीट तो करनी करनी है आपने प्रैक्टिस, बट टेक्निक समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज ऑब्टेन्ड विद अ कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट, चलो इरेक्ट का मतलब वर्चुअल है, एंड इट्स लेंथ इज 4 टाइम लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मैग्निफिकेशन क्या है 4 है, वर्चुअल की मैग्निफिकेशन क्या होती है पॉजिटिव, तो इमेज इसमें इरेक्ट है तो वर्चुअल है पॉजिटिव है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज f = +20, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस, मुझे फॉर्मूला लिखवाना जरा क्या था, m = f/v + f, u की फॉर्म में क्या है, यही है, पुट कर लेंगे, m पुट कर लेंगे पॉजिटिव, f पुट कर लेंगे u आ गया, ऐसी इमेज का इमेज मैग्निफिकेशन m वाला फॉर्मूला क्या था बताना, f ऐसे ही था, तो इसमें पुट करके क्या आ जाएगा v आ जाएगा आंसर, कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि u और v कैसे निकलेंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर एक लेंस है, ये स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट पी पे है, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या गिवन है, एल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, तो लेंस और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है 36 है, ऑब्जेक्ट सोर्स है 56 सेंटीमीटर पे, ये सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है यहां तक, तो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है पी पॉइंट से,
लाइट निकल के स्क्रीन पे इमेज बनाती है पर इमेज पूरी बन नहीं पाती. सर्कुलर स्पॉट ऑफ लाइट डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ लेंस इज फॉर्म्ड. तो यहां से लाइट निकलती है, यहां पर जाती है, ये कन्वर्ज करने की कोशिश तो करता है पर यहां पर लाइट पूरी गिर जाती है, सर्कुलर स्पॉट गिरती है. इसी साइज का सर्कुलर स्पॉट यहां बन जाता है. अब अजीब बात है, ये कैसे बन गया? ये ऐसे बन गया, रेज आई होंगी, इसे कन्वर्ज किया होगा, कन्वर्ज कुछ ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे लाइट ऐसे गई होगी, ऐसे. तो स्क्रीन को कायदे से यहां होना चाहिए था लेकिन स्क्रीन आपने दूर रख दी तो लाइट यहां पर कन्वर्ज होने की कोशिश तो की पर लाइट आगे चली गई और सर्कुलर स्पॉट बन गया, ठीक हो गया. और बाय सिमेट्री अगर ये सेम साइज है तो ये पॉइंट एग्जैक्टली क्या होगा, इनका मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब है कि 50, अगर ये 36 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर होगा, 18. तो क्लियर इमेज कहां पर बननी चाहिए, 18 पे. क्लियर है यहां तक? पर बनी नहीं, बात अलग है, 18 पे. और यू की वैल्यू अगर ये 56 है और उसमें से 36 माइनस हो गया तो यू की वैल्यू कितनी है, -20. तो इस कन्वेक्स लेंस के लिए अगर यू को -20 सेंटीमीटर पुट किया जाए और वी को पुट किया जाए +18 तो एटलीस्ट मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, लेंस की फोकल लेंथ निकाल लूंगा. फोकल लेंथ आ गई, फोकल लेंथ निकाल सकता हूं लेकिन वी को आपने 36 नहीं पुट करना क्योंकि इमेज बन नहीं रही वहां पे, वो तो लाइट गिर रही है. इमेज एग्जैक्टली कहां बन रही है, मिड पॉइंट में, यानी कि 18 पे. फोकल लेंथ आ गई, चलो फर्स्ट पार्ट से मान लो आपने फोकल लेंथ निकाल ली. अब क्वेश्चन ये है, शो द रे डायग्राम बता दिया मैंने, कैलकुलेट अप टू व्हाट डिस्टेंस द सोर्स बी डिस्प्लेस्ड. अब प्रॉब्लम ये है, वो ये चाह रहा है कि आप ना, देखो दो तरीके हैं. किसी ने सलाह दी कि आप स्क्रीन पे क्लियर इमेज देखना चाहते हो, पॉइंट की पॉइंट इमेज देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन को उठा के 18 पे रख दो, आंसर आ जाएगा. पर ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है वो स्क्रीन को हिलाना नहीं चाहता, ना वो लेंस को हिलाना चाहता है, वो चाहता है कि स्क्रीन पे क्लियर इमेज बने डॉट. तो कहता है जी ऑब्जेक्ट को हिला लो. तो बताओ ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करूं, अभी ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 20 है. तो नया यू क्या हो ताकि इमेज कहां पर बने, इमेज जो बने वो एस पे बने, यहां पे बने इमेज. तो अब इमेज कहां बनाना चाह रहा है, वो एस पे, ठीक. तो केस नंबर टू में फोकल लेंथ तो केस नंबर वन से आ गई, केस नंबर टू में इमेज का डिस्टेंस हम क्या लेंगे, +36. सॉल्व करके क्या निकालेंगे, नई पोजीशन ऑफ यू ताकि इमेज 36 सेंटीमीटर पे बने. तो यहां से 1/f = 1/v - 1/u से हम क्या निकालेंगे, नई पोजीशन ऑफ यू निकाल ली. अब पहली पोजीशन यू की क्या थी, 20. नई पोजीशन मान लो 12 सेंटीमीटर आती है तो आपने यू को कितना हटाया, कितना डिस्प्लेस किया, 20 में से 12 गया तो 8, दोनों को माइनस करना एंड में. मेथड समझ में आ रहा है कैसे होएगा ये? तो आइडिया क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट इसमें? फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर, लेंस कॉम्बिनेशन इतने आते हैं एनसीईआरटी में, इवन नीट और मेंस के अंदर भी आते हैं लेंस, दो दो तीन तीन लेंस. तो लेंस कॉम्बिनेशन करने की टेक्निक एक बार समझ लो. ये तो सबसे आसान कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है लेंस का, और अकेले लेंस पे क्वेश्चन आना मुश्किल है, कॉम्बिनेशन लेंस पे ही आता है ज्यादातर. ये क्यों पूछेगा, वो क्यों पूछेगा यू आर वी टेंथ का क्वेश्चन, तो बेसिक्स है वो, ये पूछेगा ना. तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करेगा, आपको दो किस्म के लेंस दे रहा है, L1 L2. आपको फोकल लेंथ कन्वेक्स की दे रहा है +15 सेंटीमीटर, कनकेव की फोकल लेंथ निकालनी है. ये भी दे रहा है कन्वेक्स से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, -40 सेंटीमीटर कन्वेक्स के लिए. आप इमेजिन करें कि कनकेव है ही नहीं लेंस कॉम्बिनेशन में, पहले एक लेंस एट अ टाइम सॉल्व करते हैं. तो इमेजिन करें कि सिर्फ कन्वेक्स है, अगर सिर्फ कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में यू की जगह क्या पुट करेंगे, -40, फोकल लेंथ क्या होगी, +15. तो अगर आप 1/f = 1/v - 1/u करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू आएगी, ठीक है. तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई. तो मान लें सॉल्व करके वी आ गया, ठीक है, जस्ट सॉल्व करना, वी कितना आ रहा है इसमें, पुट करना, फोकल लेंथ पुट करें, यू पुट करें, -40, वी देखें कितना आ रहा है,
24, तो वी की वैल्यू नहीं, फोर है, अच्छा ठीक है, तो वी कितना आ रहा है चेक करना, 24, ओके, प्लस 24, तो इसका मतलब क्या मैं ये कहूं कि इस लेंस से, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं सिखा रहा हूं, इस इधर ध्यान से देखो इधर कैसे, इस लेंस से जो इमेज बनी वो कहां पर बनी, 24 सेंटीमीटर पे बन गई, बात खत्म हो गई। पर बीच में आपने क्या रख दिया, कनकेव, कनकेव क्या है, डाइवर्जिंग, उसने इमेज को शिफ्ट करके यहां कर दिया, और आपको यह गिवन है कि कनकेव के लिए इमेज की दूरी कितनी है, 30। तो अगर मैं कनकेव की बात करता हूं तो कनकेव ने किया क्या, कनकेव ने इसको, इसकी जो बनाई हुई इमेज थी उसको क्या माना, ऑब्जेक्ट मान लिया, और उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं और बना दी, तो कनकेव के लिए यह तो क्या बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 24, दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 14, तो कनकेव से यहां की दूरी क्या आएगी, 10, तो कनकेव के लिए u इज प्लस 10 सेंटीमीटर, तो कनकेव के लिए u क्या है, प्लस 10, ठीक है, तो u प्लस 10, और कनकेव ने फाइनल इमेज कहां पर बनानी है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है प्लस 30, गिवन है 30। अब सारे डिस्टेंसेस कहां से लेंगे, कनकेव से, तो u की वैल्यू प्लस 10, v की वैल्यू प्लस 30, तो फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएं लेंस का और सॉल्व करके फोकल लेंथ निकाल लें, नेगेटिव आएगी पक्का, माइनस में आएगी क्योंकि कनकेव लेंस है, तो ऐसे फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है, तो कन्वेक्स की बनाई हुई इमेज कनकेव के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानी जाएगी, ठीक है यहां तक। जैसे सपोज इस क्वेश्चन के बाद, जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फिर से गिवन है 20 प्लस 20, और u की वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस 60, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करके क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, v कितना आ रहा है चेक करना ना, 30, तो v मान लो 30 आ गया, तो इमेज कन्वेक्स ने कहां बनानी थी, 30 पे, अब ये इमेज कनकेव के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में दूरी 10 है, तो कनकेव से दूरी क्या हो जाएगी, 20, तो कनकेव के लिए, कनकेव के लिए u क्या लेंगे, प्लस 20, और फाइनल इमेज कनकेव कहां पे बना रहा है, एट इंफिनिटी, दिख रहा है रेस सीधी जा रही है इंफिनिटी, तो यहां से फिर से एक बार 1/f, 1/v, -1/u से किसकी वैल्यू आ जाएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि रूल क्या लग रहा है इसमें, कन्वेक्स की बनाई हुई इमेज कनकेव के लिए क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसके बेस पे आपने जो शीट करनी है होमवर्क, शीट नंबर 77, शीट नंबर 77 आपका होमवर्क है, इसके डाउट मैंने लेने हैं अगली बार, लेंस के ऊपर जो आज क्वेश्चन करवाए उसी के बेस पे है, लेंस कॉम्बिनेशन भी है, सब कुछ है इसमें, तो क्लियर है यहां तक।